वेलकम, स्वागत है आप सभी का ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपीजी के मॉडल पे। देखो, एलपीजी क्या था और इसे कब रिफॉर्म किया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें जो है हर जगह पे हमें दिखाई देती है। देखो, एलपीजी जो था वो लगभग देखा जाए तो जुलाई 1991 के दशक में आया था। अगर हम बात करें 1991 में, तो इस समय पे भारत की जो स्थिति थी ये बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी, जिसके वजह से वहाँ के जो गवर्नमेंट थे, वो गवर्नमेंट ने उस स्थिति को देखते हुए भारत के स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पे अहम फैसला लिया गया एलपीजी के रूप में, जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी इसको हम दूसरे नाम से भी बोला गया है, जो कि एलपीजी मॉडल के तहत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तो आज आ ही जाता है, बल्कि इसको इकोनॉमिक टर्म्स में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल के रूप में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम रोल निभाया था इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये जो पॉलिसी बनाया गया था एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में, तो उसके अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव उस समय पे जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। तो इन दोनों ने जो है एलपीजी के मॉडल को अडॉप्ट किया था, और ये समय पे भारत की स्थिति को संभालने के लिए बहुत अहम रोल निभाया था। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि पहला एलपीजी, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन में क्या कहता है। लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन जो है ये कहता है कि जितने भी अनयूजेस रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, या फिर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे जिसका काम तो है लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, उस चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया या कम कर दिया गया। जो अनयूजेज चीज़ें थी उसको तो ख़त्म कर दिया गया, और जो यूजेबल था बट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था तो उसको जो है डाउन कर दिया गया। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है अबोलाइजेशन करना, और सभी के लिए एक प्रॉपर वे में लिबरलाइज करना, ताकि लोग आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। और इस जगह पे एफडीआई का सबसे बड़ा अहम रोल निभाया गया, जो कि एफडीआई को बढ़ावा देकर, एफडीआई पहले यानी भारत में 1991 से पहले लगभग 0% पे था, लेकिन इसको बढ़ा कर कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और इसे जो है शामिल कर लिया गया एज अ कॉम्पिटिटर के तौर पर ग्लोबलाइजेशन के अंदर, कि लोग आए और भारत में इन्वेस्टमेंट करें। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर जो है लिबरलाइजेशंस को फॉलो अप किया गया था, क्योंकि कानून के तहत इसको लेकर आया गया और इसमें डीमोनलाइजेशंस किया गया और इसको चालू किया गया। तो ये लिबरलाइजेशन बहुत अहम रोल निभाता है उन सारे रिलेटेड विथ जितने भी लॉस है उसके रिलेटेड। ठीक है, जिसके अंदर जो बेकार चीज़ें थी उसको ख़त्म कर दिया और जो अच्छी चीज़ें थी उसको लेकर आ गए। अब आगे बात करते हैं प्राइवेटाइजेशंस की। तो प्राइवेटाइजेशंस का मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट तो चली रही है पूरे के पूरे देश के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेटाइजेशंस भी यहाँ पे अपना काम करें, यानी कि इस जगह पे हर पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को बढ़ावा दिया गया, और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर्स को आगे बढ़ाया, कि वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है बिजनेस की, वो बिजनेस को चालू कर सकता है इंडिविजुअली। इवन दो गवर्नमेंट इतना बढ़ावा दिया गया कि उसको लोन तक दिया जा सकता था बिजनेस चालू करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट की सिमिलर एक्टिविटी में ही क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए। तो प्राइवेटाइजेशन को इसमें बढ़ावा दिया गया कि जो भी बंदा अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकता है वो करे, कोई रोक टोक नहीं है। और तीसरी बात जो थी, जो सिंपल सा जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि ये जो है इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो नाम में पता चलता है कि ये जो है ग्लोबल की तरफ रुख करता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल था कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाना था, जो कि यहाँ से वहाँ
आसानी से लेकर आया जा सके और लेकर जाया जा सके। तो ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। ग्लोबलाइजेशन के वजह से कई इंडस्ट्री जो है विदेशी इंडस्ट्री भारत में भी आई और भारत से बाहर भी गई। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से आज हम इस आधुनिक दुनिया को और इस हमारे प्यारे से भारत को देखा जा सकता है कि पूरे के पूरे जो इंडस्ट्री है वो हमें सिर्फ विदेशी और अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री ना तो दिखती ही है, साथ ही साथ विदेशी इंडस्ट्री भी भारत में दिखाई देती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के वजह से, और इसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये था बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक LPG के द्वारा, जो कि इम्पॉर्टेंट था और इसके द्वारा जो भारत है आज डेवलपिंग के करार पे आ चुका है, जो कि एक समय में कुछ भी नहीं था। अगर देखा जाए कि ये बदलाव अगर नहीं आया होता तो आज भी भारत को अनडेवलप नेशन में ही गिना जाता था। तो इसी LPG के वजह से और उस समय के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के वजह से आज इंडिया इतना डेवलप कर रहा है और एक विश्व में लीडर की तौर पर भी देखा जा रहा है। तो होप सो LPG के बारे में इस वीडियो में आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो हम यहीं रुकेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।